ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 11। श्री भगवान उवाच, अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून गतासूश्च नानु शोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा कि तुम पंडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, पहला ही श्लोक। सबसे पहले तो भगवान, जैसा हमने सुना था कि कैसे भगवान पिछले श्लोक में हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनका रोल चेंज हो रहा था। हाँ, वो सारथी से गुरु बन रहे थे और अर्जुन परप्लेक्स था, कंफ्यूज था। तो अब वो अर्जुन को स्टार्ट करते हैं, कैसे तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो, यानी कि तुम अपने आप को बड़ा पंडित समझते हो। इसका मतलब तुम पंडित हो नहीं, तुम बस अपने आप को समझ रहे हो कि तुम पंडित। हाँ, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जिनका शोक करने का योग्य नहीं है। यानी कि वास्तव में जो तुम फिलॉसफी बता रहे हो वो फिलॉसफी सही नहीं है। सबसे पहला एकदम से ये बोलते हैं। तो पांडित्य, पंडित, पंडित कौन पंडित होता है? पंडित होता है जो व्यक्ति को नॉलेज होती है, नॉलेजेबल पर्सन इज कॉल्ड पंडित। तो नॉलेज किसको कहते हैं? हम अगर भगवद गीता पढ़ेंगे तो जगह जगह पर एक ही बात निकल के आएगी, नॉलेज का असली अर्थ होता है पदार्थ को और आत्मा को समझना, या पदार्थ आत्मा और परमात्मा को समझने वाला व्यक्ति नॉलेजेबल है। और यही नॉलेज है, यानी कि जो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये पदार्थ है, पदार्थ का मतलब होता है मैटर, ये मैटर है, ये सोल है और ये सुपर सोल है। जो इसको समझता है, इनके डिफरेंस को समझता है, हाँ, वही एक्चुअली में नॉलेजेबल पर्सन है। तो जो नॉलेजेबल पर्सन है, इसलिए वो फिर किसी ऐसी चीज़ के लिए लेमेंट नहीं करता, पछताता नहीं है जो कि पेरिशेबल है, क्योंकि मैटर है। हाँ, क्योंकि मैटर जो है पहले से ही डेड होता है। मैटर डेड होता है कि नहीं? देखिए, अग्नि में कोई जान है, प्राण है? नहीं। वायु में प्राण है? नहीं। उसके अंदर जीव होते हैं लेकिन उसमें कोई प्राण नहीं है क्योंकि वो मैटर है। भूमि में कोई प्राण है? नहीं। आकाश में कोई प्राण है? नहीं। तो इस प्रकार से ये जो एलिमेंट्स हैं, मैटर है, इसके अंदर कोई प्राण नहीं है। और इन्हीं मैटर का डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ये शरीर बना है। तो यानी कि ये शरीर जिसके लिए हम इतना आसक्ति लगा लेते हैं, ये वास्तव में एक मृत वस्तु है। कितनी अजीब सी बात लगती है सुनने में कि शरीर एक मृत वस्तु है। जैसे कि कार है, कार चलती है ड्राइवर की वजह से, लेकिन कार अपने आप में एक मृत वस्तु है। वहाँ तो हमें समझ में आता है क्योंकि हम कार और कार के ड्राइवर को अलग अलग समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग नहीं समझ पाते, है ना? यहाँ हम संभव दोनों को एक ही मान लेते हैं। आत्मा और शरीर को हम कार और ड्राइवर के भांति अलग अलग नहीं पहचान पाते और इसीलिए सारे दुख होते हैं, इसलिए हम लेमेंट करते हैं, राइट? बल्कि अब तो स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि हम कार को और ड्राइवर को, अपने आप को भी अलग नहीं मान पाते। इसीलिए जब कार में डेंट लगता है तो हमें लगता है कि हमारे चेहरे में किसी ने डेंट लगा दिया, और हम चाहते हैं कि दूसरे के चेहरे पर डेंट जरूर लगा दें। हाँ, तो मामला अब बहुत ज़्यादा गिर चुका है इसका मतलब, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे भगवान की पहली नॉलेज यही है कि तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हो, ऐसा लगता है कि तुम नॉलेजेबल हो, लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए तुम लेमेंट कर रहे हो जो कि लेमेंट करने योग्य नहीं है। जैसे मैंने बताया कि शरीर जो है वास्तव में मृत है, हमेशा से ही मृत था। इसके अंदर ये शेप कैसे आती है? आप जानते हैं शरीर के अंदर शेप भी आत्मा की वजह से। कैसे? जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, आप देखेंगे बॉडी अपने आप डिफॉर्म होने लगती है। हाँ, चेहरा अजीब सा हो जाता है, अजीब फूला फूला सा, टेढ़ा मेढ़ा, जितनी देर उसको रखोगे वो डीकम्पोज होता चला जाता है। यानी कि अगर ये सड़ने से बच रहा है, इसकी ये सुंदर फॉर्म मेंटेन्ड है, उसका केवल एक ही कारण है कि उसके अंदर आत्मा है। तो यानी कि शरीर को फॉर्म भी आत्मा ही देती है और आत्मा ही उसको सुंदरता देती है वास्तव में। हाँ, तो इस प्रकार से शरीर हमेशा से मृत है, तो फिर शरीर के लिए क्यों पछताया जाए? ऐसा अर्जुन को कृष्ण का कहना है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस बात को समझता है। जैसे हमने बताया कि नॉलेज क्या है, कि मैटर तो अलग है, सोल अलग है, सुपर सोल अलग है, फिर इसके लिए इतना क्यों पछताना जो एनीवे पेरिशेबल है, हाँ, जो एनीवे समाप्त हो जाती है। बूढ़ा कौन होता है? बूढ़ा आत्मा नहीं होती है,
पूरा शरीर होता है। इसी तरह से एक दिन ये शरीर जब बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, इस्तेमाल प्रयोग में लाने लायक नहीं रहता है, तो आत्मा इसको छोड़ देती है, जिसका नॉलेज भगवान आगे देंगे। तो बॉडी इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट सोल है, ध्यान रखिए। बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट सोल है, क्योंकि सोल की वजह से ही बॉडी कुछ कार्य कर पाती है, उसके अंदर फॉर्म है, सुंदरता है, सोचने समझने की शक्ति है, सब कुछ उसके अंदर सोल के कारण है। इसलिए जो सही व्यक्ति जानकार है वो यही करता है, वो सोल के लेवल पे कार्य करता है, क्योंकि सोल ही असली शक्ति है जो कि पीछे छुपी हुई है। तो पंडित ये भी नहीं कहलाता जो ये जानता है कि अच्छा जी सोल है, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, लेकिन उसके लेवल पे कार्य नहीं करता है, वो भी पंडित व्यक्ति नहीं हुआ। तो पंडित वास्तव में वही हुआ जो जानता भी है और उसी लेवल पे कार्य भी करता है, यानी कि आत्मा के लेवल पे कार्य करता है। अब अर्जुन जो है, अर्जुन का जो पीछे तर्क गए थे, उन तर्कों के अनुसार अर्जुन ये कहना चाह रहा था कि हम लोग राजनीति के ऊपर धर्म को क्यों नहीं ला रहे, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, हाँ ये लोग राजनीति के चक्कर में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम तो धार्मिक नियमों को मानते हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं? तो क्योंकि ये जो डिस्कशन है ये शरीर के आधार पर है, क्योंकि धर्म जो है शरीर के आधार पर होता है। हम कहते हैं ना ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, क्योंकि उसने मुस्लिम शरीर में किसी मुस्लिम माता पिता से पैदा हुआ है, कोई हिंदू माता पिता से पैदा हुआ है, कोई इस प्रकार से शारीरिक रूप से ये धर्म बनते हैं। और इन्हीं धर्मों के आधार पर अर्जुन कह रहा था कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, मेरे भूपा जी हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, इनको मार के मैं कैसे जी सकता हूँ? तो धर्म क्या कहता है? धर्म तो ये नहीं कहता, राजनीति जरूर कहती है मार दो। तो राजनीति क्यों? राजनीति तो लोअर प्रिंसिपल है, लेकिन अर्जुन जो है हाइएस्ट प्रिंसिपल को नहीं जानता था, हायर प्रिंसिपल को जानता था, धर्म ओवर दिस राजनीति, हाँ कि धर्म ऊपर है, लेकिन धर्म के ऊपर होता है अध्यात्म। धर्म में और अध्यात्म में क्या फर्क होता है? धर्म शरीर के आधार पर होता है, अध्यात्म आत्मा के आधार पर होता है, इसलिए अध्यात्म सुप्रीम है, सुपर मोस्ट है। जैसा अभी हमने बताया कि शरीर और आत्मा में कौन सुपीरियर है, शरीर और आत्मा में शरीर सुपीरियर, आत्मा सुपीरियर है, क्योंकि आत्मा ना तो कभी मरती है, ना कभी बूढ़ी होती है, ना इसमें कोई बीमारी लगती है, हमेशा ब्लिस में रहती है, हमेशा नॉलेज में रहती है। और शरीर हमेशा ही नश्वर है, बूढ़ा होता है, हाँ, और आत्मा के बिना इसका स्वरूप भी नहीं रहता, सड़ जाता है, इसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानता से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से शरीर हर तरह से लोअर है, इसलिए शारीरिक धर्म भी लोअर हुआ, आत्मा हर तरीके से हायर है, इसलिए आत्मा का धर्म जिसको हम अध्यात्म कहते हैं वो हायर माना जाना चाहिए। तो भले ही उसका ये कहना कि राजनीति क्यों लड़ रहे हो, क्यों नहीं हम लड़ाई को छोड़ देते, ये धार्मिक तो है, लेकिन धार्मिकता के ऊपर आ जाता है अध्यात्म, ये हम आत्मा के लेवल पे काम करते हैं। आत्मा के लेवल पे काम करने का मतलब क्या है कि आत्मा के लेवल पे आत्मा का हित किस में है? आत्मा का हित है परमात्मा की सेवा में। यदि हम परमात्मा की सेवा करते हैं तो सारी आत्माओं का हित हो जाता है। जैसे हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो सारे पत्ते खिलखिला उठते हैं, तो उसी प्रकार से आत्मा का धर्म है परमात्मा को प्रसन्न करना, इसलिए हमारे सारे कार्य परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए होने चाहिए। ठीक है, तो यही डिफरेंस है धर्म में और अध्यात्म में, जो कि यहाँ पर ऐसा लगता था कि अर्जुन बहुत धार्मिकता की बात कर रहा है, पांडित्यपूर्ण वचन कह रहा है, लेकिन भगवान ने एक ही श्लोक में उसको काट डाला और बोला कि ये तुम पांडित्यपूर्ण वचन कह रहे हो लेकिन तुम मूर्खता कर रहे हो, तुम ऐसी चीज़ों के लिए लैमेंट करने की बात कर रहे हो जो लैमेंट करने के योग्य नहीं है, इसका मतलब तुम्हें असली अध्यात्म का तो पता ही नहीं है, तुम्हें केवल धार्मिक नॉलेज है। जैसे कि संसार में हमें बहुत सारे धार्मिक रिचुअल्स पता होते हैं, शादी होनी है तो बनना ये करेगा, उसमें ये लगेगा, उसमें हल्दी लगेगी, वो इतनी बार पैर पे लगेगी, इतनी बार ज़मीन पे लगेगी, उसमें तेल लगेगा, उसमें घास लगेगी, उसमें हल्दी लगेगी, न जाने क्या क्या, और ऐसे कितने रिवाज हमें पता होते हैं ना। और जो इनको जितने ज़्यादा रिवाज पता होते हैं कहते हैं ये बड़ा पंडित आदमी है, बड़ा नॉलेजेबल आदमी है ना, वास्तव में उन्हें अध्यात्म की नॉलेज नहीं होती है, शरीर की नॉलेज नहीं होती है। ऐसे पंडित जी भी कई बार तुमसे, आप लोगों से यही बोलेंगे कि भगवान के पास क्या जाते हो, वो तो मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसा हमने सुना कहते हुए, हाँ पूजा करनी है तो गणेश जी की कीजिए, इनकी कीजिए, शिव जी करिए, कुछ आपको संपत्ति प्रदान करेंगे, कुछ पुत्र प्रदान करेंगे, कुछ पत्नी प्रदान करेंगे, हम भगवान तो तुम्हें क्या प्रदान करेंगे, भक्ति प्रदान करेंगे। तो यही कारण है कि बहुत सारे संसार के ऐसे लोग हैं जो धार्मिक हैं, सो कॉल्ड धार्मिक हैं, या धार्मिक को हमने डिफाइन किया शारीर के, हाँ जो हम रिचुअल्स हैं उसको करने को ही हम धार्मिक कहते हैं, शारीरिक अटैचमेंट जैसा अर्जुन के पास था अपने संबंधियों के प्रति, लेकिन उसके ऊपर अध्यात्म है, इसलिए भगवान उसको थोड़ा डांट रहे हैं।
कि तुम ऐसे लोगों के लिए लेमेंट कर रहे हो, वास्तव में तुम शरीरों के लिए लेमेंट कर रहे हो, ये सारे शरीर तो एनीवे मार दिए जाएंगे। तो ये ज्ञान से भगवान शुरू करते हैं और आगे आत्मा का ज्ञान अब शुरू होने वाला है, इसलिए इसमें बने रहिए। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।